हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी ठंडाई की रेसिपी। इसको बनाने में बस 2 ही मिनट लगा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो ठंडाई बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, स्वाद के अनुसार चीनी। इसके बाद हमको चाहिए 1 चुटकी नमक और थोड़े से इलायची के दाने। बस इतने से इंग्रेडिएंट से ठंडाई बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दही। ठंडाई बनाने के लिए मैंने गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। अब इसकी मलाई को साइड में निकाल देंगे और इसकी मलाई को बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठंड का मौसम खत्म हो चुका है, अब गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा पीने का मन करे तो दही से बनी हुई ठंडाई जरूर बना के पिए, क्योंकि दही में प्रोटीन कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, हमने मलाई को निकाल दिया है, अब ये सारी दही का इस्तेमाल करेंगे। अब सारी सामग्री को मिक्सर में डालेंगे। दही डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि ठंडाई में थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर आए। पानी के बाद इसमें थोड़े से आइस ऐड कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर दें। लगभग आधा मिनट तक इसको ब्लेंड करें और उसके बाद अब इसको अपने मनपसंद ग्लास में पोर कर दें। अब इसके बाद निकाली हुई मलाई को इसमें ऐड कर दें और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दें। गर्मी के मौसम में इस तरीके की टेस्टी लस्सी या ठंडाई बनाकर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करें। मेरी इस रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के और भी इजी टू कुक रेसिपी वीडियो की अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और भी इस तरीके की रेसिपी वीडियो की अपडेट्स बहुत ही जल्द मैं लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।